हाय गाइस, वेलकम ऑफ सर्किट ट्रेडर्स। सो गाइस, कल महा एक्सपायरी है मार्केट का। महा एक्सपायरी में नाम मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि देखो वीकली एक्सपायरी नहीं है, ये मंथली एक्सपायरी है। हम इसे वीकली एक्सपायरी भी कह सकते हैं, हम इसे मंथली एक्सपायरी भी कह सकते हैं। तो इस पूरा वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट में कैसे सिनारीज हमारे सामने नज़र आ रहा है। देखिए, कंटिन्यू जो ग्लोबल मार्केट का सिनारीज है ना, वो बहुत ज़्यादा रेड जोन पे था। ठीक है, अभी बज रहा है रात को 8:45 और थोड़ा बहुत ग्रीन जोन का सिग्नल दिखाई दे रहा है। देखिए, एक बड़ी गिरावट मार्केट के अंदर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका मेन रीज़न है ग्लोबल मार्केट। मैं आपको पहले भी बताया हूँ, बीच बीच में ये चीज़ को दिखा रहा हूँ। देखिए, इस चीज़ को दिखा रहा हूँ। अभी क्या है, इसी सपोर्ट से ना थोड़ा सा बाउंस बैक होता हुआ दिख रहा है। अभी रात को अगर ये थोड़ा सा बाउंस बैक होगा, तो मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट भी एक पॉजिटिवनेस के साथ ओपन होना चाहिए। अगर ये जो जोन है, ये जोन अगर कवर हो गया और ग्रीन जोन बन गया, ध्यान से देखिएगा कि ये S&P 500 का चार्ट है, और यहाँ पे इसने बॉटम बनाया था, यहाँ पे दोजी कैंडल बनाया है, और आज भी इसी चीज़ को सपोर्ट लेके बाउंस बैक होने का कोशिश कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब इसे अगर रिकवरी हो जाएगा, तो मुझे लगता है आपको एक ग्रीन जोन पे ओपनिंग होता हुआ इंडियन मार्केट दिखेगा। राइट, चलिए आज का वीडियो के अंदर बहुत ही एक यूनिक चीज़ दिखाऊंगा जो आपको भी पसंद आएगा, जहाँ ये मान सकते हैं। देखो, लॉजिक से बात करता हूँ, ठीक है, जो भी बात करूँगा लॉजिक के ऊपर बात करूँगा, सट्टा नहीं बताऊँगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कदम उठा रहे हैं। बाप ऑफ चार्ट सेलिंग, जिन्होंने कोर्स सेल करते हैं, फेक बात बताता है स्टॉक मार्केट को लेके, फिक्स रिटर्न देते हैं स्टॉक मार्केट के लेके, उनके ऊपर बहुत अच्छा कदम उठा रहा है। तो ये सारी चीज़ होना चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ होना चाहिए, और सेबी एक के बाद एक ना अच्छा कदम उठा रहा है, तो बहुत अच्छी एक न्यूज़ है हमारे लिए। ठीक है, चलिए, तो स्टॉक मार्केट से हम कभी फिक्स नहीं बोल सकते हैं जी आपको इतना रिटर्न होगा, ये होगा, प्रॉफिट होगा ही होगा। देखो, ये सारे आपका क्या है, मनी मैनेजमेंट, आपका नॉलेज, इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाऊंगा कि मैं कब से आपको कि मार्केट क्या है, मार्केट डाउन जा सकता है, ध्यान से देखिएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और मैं आपको इसी इस टाइम पे बताया था, इस वक्त बताया था कि देखो यहाँ पे एक नेगेटिव सिग्नल हमारा बन चुका है। ठीक है, एक यहाँ पे एक नेगेटिव सिग्नल बन चुका है, मूविंग एवरेज नेगेटिव सिग्नल। तो आपको ये मूविंग एवरेज और प्राइस एक्शन, ये दोनों एनालिसिस सीखना है। अब बहुत लोग समझते हैं, सर मूविंग एवरेज तो एक लैगिंग इंडिकेटर है, वो रिजल्ट कैसे देता है? सर, ये लैगिंग इंडिकेटर है, बट रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देता है, अगर आप इस चीज़ को समझोगे। ओके, अगर इस चीज़ को समझोगे, तो हमारा जो ऑनलाइन क्लास है, उसके अंदर यही सारी चीज़ आपको कंबाइंड करके एक मल्टीपल सेटअप बना के दिया जाता है, एक मल्टीपल सेटअप। ओके, और मैं ठोक के कहता हूँ, ऑल ओवर इंडिया में एक सर्किट ट्रेडर्स ही है जो आपको कोर्स कराने से पहले हमारा कॉल से मैक्सिमम कोर्स का फीस रिकवर हो जाता है। ओके, जो पहले भी स्टूडेंट होते हैं, जो पहले से, उनको मैक्सिमम लॉस जो है वो रिकवर हो जाता है, मतलब जो कोर्सेज का फीस है वो कुछ हद तक रिकवर करने का कोशिश करते हैं। तो देखो, 1 आवर 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है, 1 आवर्स का चार्ट बनाया था मैं, और आपको बहुत क्लियरली इस सिचुएशन में बताया था, यहाँ पे बताया था कि एक नेगेटिव सिग्नल, नेगेटिव ब्रेकडाउन दिया है, तो मार्केट इस तरीके से और डाउनफॉल हो सकता है। अब कल है महा एक्सपायरी, ध्यान से देखिएगा, कल है महा एक्सपायरी, मैं बैंक निफ्टी कब बाई करूँ और निफ्टी कब बाई करूँ, मैं आपको बहुत ही ईजिली देखे जा रहा हूँ, बहुत ही ईजिली एक चीज़ देखे जा रहा हूँ। देखो, जब तक नहीं ये क्रॉस होगा ना, आप कॉल सेल में मत जाओ। ठीक है, तो मेरा मेनली पॉइंट होगा कि कल 43,000 से ऊपर मार्केट आएगा, 43,000 से ऊपर मार्केट चलेगा, तभी आप कॉल साइड में रहोगे। आप यहाँ से टारगेट क्या रहेगा, बहुत क्लियर दोस्तों, देखो यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा, मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 43,300, 300 पॉइंट का टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, कब, अब 43,000 से ऊपर आएगा मार्केट तो 300 पॉइंट का टारगेट, अगर 42,800 से नीचे रहेगा तो और मार्केट में गिरावट रह सकता है, बट मेरा जो ओवरऑल व्यू है, हो सकता है थोड़ा सा रिकवरी। अब देखो, कल एक्सपायरी, महा एक्सपायरी यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी है, बहुत ज्यादा मार्केट वोलेटाइल रहता है, ये भी याद रखिएगा गाइस। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसी लिंक का यूज कीजिएगा, सर्च करके मत लीजिएगा, क्योंकि हमारे नाम पे बहुत सारे फेक चैनल बना हुआ है। ठीक है, जिस चैनल पे मेरा वीडियो जाता है वही हमारा ओरिजिनल चैनल है। यहाँ पे देखिए, कल के लिए ना कुछ लेवल दे चुका हूँ, तो बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल दिया हूँ, देखो 43,000 ही निकल के आया है। ये क्या है, ये डेटा कैलकुलेशन है, ये क्या है, ये टेक्निकल एनालिसिस है, समझ में आ रहा है? तो टेक्निकल एनालिसिस एंड डेटा कैलकुलेशन हमें दोनों ही एक सेम पॉइंट बता रहा है कि 43,000 भाई,
और फिर ऑप्शन चेन, सर ऑप्शन चेन तो 00000 जो पॉइंट आता है ना, वो तो बहुत क्लियरली एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो तीनों मिला के हमारा एक ही पॉइंट आ रहा है 43,000, राइट? समझ में आ गया? अब मुझे डेटा प्रिडिक्शन बता रहा है 43,230 तक टारगेट लेना, पहला टारगेट। ओके, तो हम सेफली जोन पे रहेंगे, 43,000 से ऊपर मार्केट आएगा तो 43,230 से लेकर 300 तक एक अप्रॉक्स टारगेट मेरा रहेगा। और डाउन साइड ब्रेक होगा तो मैं यहाँ पे बहुत लॉन्ग डाउन दिखा रहा है जो डेटा प्रोडिक्शन है, डेटा प्रोडिक्शन दिखा रहा है जो 400 पॉइंट का नीचे जा सकता है, 400 पॉइंट नीचे जा सकता है अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का प्रोडिक्शन। देखो आपको ना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। आप क्या करते हो, आप डर जाते हो ट्रेड लेने से पहले, डर जाते हो। क्यों डर जाते हो? क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? कि आप मल्टीपल चीज को फॉलो नहीं करते, मल्टीपल चीज नहीं देखते। ठीक है, मल्टीपल चीज के अंदर, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, तीन वीडियोस का सीरीज बनाया हूँ जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके उन तीन वीडियो देखिए। ठीक है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए ये तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब मैं चलता हूँ निफ्टी के एनालिसिस में। आपको मैं ग्लोबल मार्केट दिखाया, ग्लोबल मार्केट से क्या सेंटिमेंट्स आ रहा है, बाप अप चार्ट बताया क्या चीज़ है, ओके, ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है, सब कुछ बताया। अब मैं चलता हूँ निफ्टी का चार्ट में। देखो निफ्टी का चार्ट में क्या सीनरीज है, कब मैं बाइंग करूंगा, देखो ध्यान से देखिएगा। मैं निफ्टी का चार्ट में आपको बाइंग की सलाह दूंगा कॉल साइड का, कब? न जब 19,180 के ऊपर आएगा। ठीक है, 19,180 ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 19,180। देखो यहाँ पे क्या है, 200 एक साइकोलॉजिकल लेवल बनाएगा। अब देखो ये 200 साइकोलॉजिकल लेवल को किस तरीके से ब्रेक हो रहा है। अगर पॉजिटिवली ब्रेक होता है तो मैं 300 का टारगेट यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, 300 का टारगेट यहाँ से मिल सकता है। तो एक्सपायरी डे में अगर 100 पॉइंट का टारगेट होता है तो माई गॉड, एक बहुत ट्रिपल ट्रिपल से ज़्यादा प्रॉफिट आपको हो जाता है। तो इस टाइम पे आपको 19,200 के कॉल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब मैं पुट साइड में कब जाऊँगा, देखो सर अब मैं पुट साइड में कब जाऊँगा इसको भी बहुत क्लियरली समझ लीजिए। पुट साइड में तभी जाऊँगा, बड़ा अच्छा से पुट साइड बनेगा आज का लो के नीचे। देखो ऑन डे का चार्ट मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ऑन डे का चार्ट। ओके, चार्ट के अकॉर्डिंग देखो जो प्रीवियस लो था ना, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस प्रीवियस लो जो जोन है, इस जोन देखो ये क्या है, 223, इस जोन को ध्यान रखिएगा कल के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जोन। कि जब मार्केट एक बार डाउन आता है ना तो ये ब्रेक होना जरूरी है, इस जोन से ऊपर आना जरूरी है अगर आपको बाउंस बैक होना है तो। और फिर पुट साइड में कब जाओगे, पुट साइड में इस लो को ब्रेक करेगा तभी मैं पुट साइड में जाऊंगा। कब तक का टारगेट मिलेगा, कहाँ तक टारगेट मिलेगा, देखो अभी ग्राउंड ओपन है, बट अगर प्रीवियस हाई अगर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे है प्रीवियस हाई जो जा रहा है 18,900 के करीब। आ रहा है समझ में? क्या मैं दिखा रहा हूँ, लॉजिक है, बात के अंदर दम है? अगर दम है तो लाइक का बटन एंड आपका महत्वपूर्ण सुझाव आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं एक लॉजिक बताऊंगा आपको, जो मैं शुरू से बता रहा था कि लॉजिक बताऊंगा आज के वीडियो में, मैं लॉजिक बताऊंगा। क्या लॉजिक? देखो मैं ना इस टाइम पे अगर 19,200 का पुट एंड 19,100 का कॉल के ऊपर एनालाइज करूंगा तो कुछ रिजल्ट हमें निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, देखो इसके अंदर बायर सेलर कितना है कॉल के ऊपर, तो कॉल के ऊपर 3,59,000 का सेलर एंड 2,73,000 का बायर, यानी कि 1 लाख सेलर एक्स्ट्रा है प्लस 1 लाख सेलर ज़्यादा है। ओके, ध्यान से देखिएगा। तो अब पुट साइड में क्या है, देखो पुट साइड में बायर ज़्यादा है, कितना, 2 लाख बायर ज़्यादा है। कौन से पुट में, 19,200 का पुट में, ध्यान से देखिएगा, 19,200 का पुट में बायर ज़्यादा है और कॉल में सेलर, 100 का कॉल में सेलर ज़्यादा है। ध्यान से देखिएगा, 100 का कॉल कहाँ पे है, यहाँ पे पुट कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि लोग ये मान रहा है कि मार्केट को गिराएगा। बट एक चीज़ इसके साथ ये और देखिए, एक और देखिए इस पुट में क्या हालत है। देखो 100 का पुट में ना, 100 का पुट में 2 लाख का सेलर है, यानी कि देखो ओवरऑल मैं कितनी सारी चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो जोन है ये खिचड़ी पकने वाला जोन है। कौन सी जोन है, 19,100 से लेकर 200, ध्यान से देखिएगा, 100 से लेकर 200 ये खिचड़ी पकने वाला जोन होगा। इसका बीच में अगर मार्केट रह जाता है कुछ मत कीजिए, चुपचाप बैठ रहिए। ठीक है, मैं अच्छा ट्रेड तब मानूंगा जब इस लेवल के अंदर दो पैर तक रुक जाने दो, परेशान मत होना, जल्दीबाजी मत करना, इसका बीच में दो पैर तक रुक जाने दो। इतनी अच्छा हीरो जीरो मिलेगा, कसम से बता रहा हूं, इतनी अच्छा हीरो जीरो मिलेगा अगर ऐसे कंडीशन बन जाता है मार्केट में तो।
वॉच कीजिएगा टेलीग्राम चैनल, मैं बहुत क्लियरली एक हीरो जीरो दूंगा अगर ये कंडीशन मार्केट में बनता हुआ मुझे दिखाई दिया। ओके चलिए गाइस, ऑप्शन चेन अलग से समझाने का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हम क्या देख पा रहे हैं ना, 200 सेम वही लेवल है, बट बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर मुझे अभी किसी लेवल पे बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे अगर बात करें तो 200 के ऊपर सेलिंग प्रेशर है और पुट साइड में किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है। तो फिलहाल 200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साइड से दिख रहा है, टेक्निकल साइड, ऑप्शन चेन साइड, प्राइस एक्शन साइड, सब में से। ओके तो जब तक ना 200 ब्रेक होगा हम कॉल साइड में नहीं जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।